नमस्कार नमस्कार केन झुमरे गोटे छी ई बार जे कोबीर खेती करनु ने दीदी तो बहुत घाटा है गे कोबीर खेती आर वही बगल वाली दीदी जे कले कोबीर खेत तब मगर बहुत अच्छा सवार कोबी है जे को बगलो दे खेती लगाइल त तीवा पुछिलो ने दे कन्ना का लगाइल बगल वाला पुछिनो दीदी जे ऊ बताहिल कि बीज उपचार करे लगा छे मगर आर जे बढ़िया से नी बता ले दीदी झुमरे रोहर कोई जरूरी नहीं छे फूल को भी बीज उपचार करवार तना जे सामान लगे हन तो बता दी दीदी बीज उपचार करवार तना एक एक का तो हम बता दी छी ती सामान आने रखी 10 ग्राम फूल कोबीर बीज 10 ग्राम गुड़ 25 ग्राम केचुआर खाद बेवस्टिन पाउडर एक सूती कपड़ा और दी दस्ताना आने राखीस कालो से तो बता दू दीदी इला सबला सामान ती आने राखीस काल का तो बता दू तू ठीक छे दीदी आने राखू दीदी हानी जाई भोर ठीक छे दीदी जा गात्री दीदी भोर छिस गई हाँ हाँ दीदी भोर छी दीदी नमस्कार सब सामान तो गनु अपन गुंदा आने राखीस ना नमस्कार दीदी आने राखी आर चोती वहाँ बोट आर हम सब सामान दखा चुका दीदी इला सबला सामान ते ने वही आर फूल कोबी बीज उपचार करवार की उद्देश्य छे मोक बताई दे दीदी फूल कोबी बीज उपचार करले से कोई बीमारी नहीं पकड़ो छे आर ई टेबो जल्दी चले ओसो यार गाद अच्छा रो छे उद्देश्य त ती बताई दिलो दीदी अब ती अपना परिचय बता मोर नाम प्रतिमा देवी राधा जीविका स्वयं सहायता समूह कोसा अध्यक्ष छी गुंजन भी और सदस्य छी प्रखंड अमूर जिला पूर्णिया निवासी दीदी हमें अपना परिचय तो बता दूँ ती अपना बता मोर नाम गायत्री देवी छे हमें राधा जीविका स्वयं सहायता समूह सदस्य छी मोर घर तेलंगा छे थाना अमूर छे जिला पूर्णिया जिला निवासी छी दीदी परिचय तो है गेल कु जे सामान तो गनुआ कुन कुन तो आप ती मुख दखा 10 ग्राम फूलकोबी बीज बढ़िया छ बेवस्टिन पाउडर 10 ग्राम शक्कर गुड़ बढ़िया छ सबला सामान मिलवार तने एटा डिब्बो आनी ठीके छ दीदी इला उसुम पानी 100 ग्राम छ बढ़िया छ 20 ग्राम गौर मूत 25 ग्राम केचुआ खाद खाली बर्तन अच्छा से सूती कपड़ा अच्छा ये दस्ताना दीदी हम तो सबला सामान एक एक का आनु आर बीज जो कन्ने उपचार हवे ती मुख बता ठीक छे दीदी तो बता दी छी दीदी सबसे पहले उसम पानी 100 ग्राम या डलवा हवे दीदी या 10 ग्राम फूल कोबी बिच्छू डालो छी दीदी उसम पानी इला बिच्छी केहन डाललो बीजला सुताल छे उसम पानी डालूम त बीजला जागी आबे दीदी 2 मिनट तक से हाथ दे मिलवा हबे दीदी यह 2 मिनट तक बीज केहन रखलो ई का रखनु जे
दबला सरियाला ऊपर भसी आवे खराबला और अच्छा लाता लुत रहे आवे दीदी जला खराबला बीज भासो छ ऊपर दूला छाके फेंके दिसी दीदी 25 ग्राम केचुआ खाद डाले छ दीदी यार 25 ग्राम केचुआ खाद केहन डाललो ये भोजन एर काम कर दिए दीदी 10 ग्राम शक्कर गुड़ यार डालो छ दीदी यह गुड़ केहन डाललो ये का डाललो दे गर्मी हेबे आ टेको जल्दी वसबे दीदी यात 20 ml गौमूत्र डालो छ दीदी गैर मुती हाथ केन डाल लो दीदी आज जंतु नाशक कीड़ा मकड़ा नहीं पकड़ी गए दीदी सब गुजु मिले दिन कुन आ सूती कपड़ा ने 6 घंटा तक ढके छायादार जगह पर रखे दी हम 6 घंटा बाद फिर उसको 6 घंटा दीदी यह केन रख लो ये क्या रखूं दे मिश्रण बढ़िया से फूले जाए ठीक है दीदी सूती कपड़ा ने ढके दी छी और 6 घंटा तक ने जे रख दी छी और 6 घंटा बाद फिर उस दीदी 6 घंटा है कि बोला मिश्रण लाने उस ठीक है दीदी ने उस दीदी ला छकुआ है बे एक पूरी मदद करे दिया ठीक से दीदी करे दे पालते हैं ये लात 5 मिनट पानी भरो अर्थ में रखो दीदी या तो विविस्टिन पाउडर मिलामू मिलवा से पहले हाथ दस्ताना पहनवा दो केन दस्ताना केन के मिले दीदी जहरीला ये इला जहरीला है छे दीदी हां मम्मी मेवेस्टिंग पाउडर यहाँ दीदी केहन मिलान ये का मिलानो दे फफंदी नाशक नी पकड़ी गे मेवेस्टिंग पाउडर फफंदी नाशक अच्छे दीदी ला हल्का हल्का मिले दी छी दीदी ला पोटली बाने दिसकू 12 घंटा तना राखे दबो केको हत फूल कोबी बीज उपचार करले की लाभ है बीज उपचार करले से पौधा हरा भरा रो छे कोई बीमारी नहीं पकड़ो छे फसल ज्यादा हो छे फिर कोबी बीज उपचार करले कोई सावधानी भी रखो हो छे दीदी सावधानी पानी उसम हवा से बेसी गर्म नहीं हवा से मिश्रणों को 6 घंटा छायादार जगह रखवा चाहिए बेबेस्टिन मिलो और बाद 12 घंटा टेको उठवार तना छायादार जगह रखवा चाहिए दीदी तीजे ते कीमती समय दिए मोको बीर बीज उपचार करवार तना बता लो तो यह तो बहुत धन्यवाद लाख लाख धन्यवाद